नमस्कार, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? भैया ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए आज का। ठीक है, चलिए जितने भी सुन लोग पा रहे हैं आप लोग? हैं क्लासेस, आप सभी को आप सभी का स्वागत, वेलकम एवरीवन। अंकित, साची, सिमरन, संदीप, राधे राधे। सिमरन जी स्वागत है क्लास में आपका। चितरंजन, अनिल, मोहित, योगेश, ज्योति, स्वप्निल, जितने भी लोग जुड़े क्लास में आज सभी का स्वागत है भैया। आज सरप्राइज था आप लोगों के लिए इस क्लास में। ठीक है, और सरप्राइज ये था कि आज शाम 7 बजे वाली क्लास कौन बनेगा चैंपियन अच्छा, टैक्सटिक मैं आप लोगों को मार्केटिंग? बता दूं भैया कि मुझे तो आप लोग जानते हैं, रोज शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं। बगल में हमारे खड़े हुए हैं मैथमेटिक्स के शहंशाह आदमी, दीपक मिश्रा सर। ठीक है, आप लोग इनको देखते होंगे, इनकी क्लासेस चलती रहती हैं। 10:30 बजे सर का स्पेशल क्लास चलता है। ठीक है, और यूपीएसआई का बैच चल रहा है सर का, जिसमें मैं, अमरनाथ सर, दीपांकर सर, हम लोग साथ में यूपीएसआई का एक बैच ले रहे हैं। ठीक है, तो दीपांकर सर को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, तो स्वागत है दीपांकर सर का भी और आप सभी लोगों का भी आज की इस स्पेशल क्लास में, जो कि सरप्राइज था आप लोगों के लिए। सर, डीसी सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अब ये बताओ, सरिता जी स्वागत है क्लास में आपका, वेलकम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? देखिए, डीसी सर के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो मैं बता दूं, दिल्ली के मुखर्जी नगर के सर बहुत फेमस एजुकेटर हैं रीजनिंग के, बहुत ही सुपरहिट। मुझे तो बहुत बाद में पता चला, सर बहुत ही जबरदस्त एजुकेटर है रीजनिंग के। ठीक है, अच्छा, ये डुअल एजुकेटर की क्लास इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे जान ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है। मेरे ही बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन जो रीजनिंग के बारे में जानते ही नहीं है, किससे पढ़े, किससे ना पढ़े, क्या पढ़े ना, ये सारी चीजें। बहुत स्टूडेंट ऐसा है जिसको मैथ के बारे में नहीं पता, कंफ्यूज है, तो इस वजह से ये क्लास ऐसी लगाई जा रही है। और आपको इस तरीके की और भी क्लासेस मिलती रहेंगी। हम लोगों का सर सेकंड सेशन है, हाँ, इससे एक पहले भी सेशन हम पहले लोगों भी ने। लिया था हम लोगों ने, शायद आप लोगों को ध्यान हो, एक पहला सेशन भी हम लोगों ने लिया था जहाँ पर मैं और सर दीपक मॉर्निंग में एक ही क्लास में आए थे, है कि नहीं। और इसके बाद आज सेकंड सेशन ले रहे हैं। हाँ, संडे को लिया था एक सेशन मॉर्निंग में, 9 से 10 और 10 से 11। ठीक, अच्छा, इसके बाद और भी बाकी टीचर्स के साथ और जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी हम लोग क्लास लेंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, अमरनाथ सर के साथ एक क्लास पेंडिंग है, मेरा समय नहीं मिल पा रहा उनके साथ क्लास लेने का, तो बहुत जल्दी सर के साथ भी एक क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा साची, सर, थैंक स्वागत है यू क्लास में आपका। थैंक यू। भैया पढ़ना है आपको रीजनिंग और बीजीपी मैथ के सवाल, मैथ मैथ के क्वेश्चन वीकली कॉम्बिनेशन आपके सामने है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को ज्यादा बतियाएंगे नहीं, कैसे तो काम कम करते हो, है कि नहीं। गुड इवनिंग पूजा, वेलकम। आज आप देखेंगे कि बिना पेन चलाए कैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज जो 6:30 बजे वाली क्लास होती है दीपांकर सर के अंगत, वो क्लास रिशेड्यूल कर दी गई है। ठीक है, हाँ, ये आज इसी मैथ का मॉड्यूल बैच के बनाना अंतर्गत पड़ा है है। आप ठीक लोगों को, आप है, लोगों के तो लिए। वो क्लास कल से कंटिन्यू होगी बच्चा, शुरू करते हैं। बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है कि केवल और केवल 40 सेकंड का समय होगा आपके पास प्रश्न के लिए, और 40 सेकंड के बाद आपको क्या करना होगा, पोल पर आंसर करना होगा। कुछ नए टाइप का ये हमको दिख रहा है आज, हमारा जो यूजर इंटरफेस है। ठीक है, पहले सफेद सफेद हमको नजर आता था सब कुछ, आज ही हमको काला काला सब नजर आ रहा है। ठीक, और कई, ये चेंज किया गया है सर पूरा आज हाँ, की क्लास काफी सारी चीजें इधर से उधर हो गई हैं, तो रेगुलर हम जो यूज करते थे उससे अलग है, तो हम देखते हैं अब यूज कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। हालांकि टेक्निकल टाइप आदमी है, कर लेंगे, लेकिन चलो शुरू करते हैं भैया। हो गया। ठीक है, तो पहला प्रश्न अब मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, बिल्कुल 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 सेंसा है सर मैथ के। तो भैया पहला क्लास क्वेश्चन अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, कुछ सिस्टम ऐसा रखेंगे कि एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन मैथमेटिक्स से करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम रखेंगे। हालांकि रोज के जो पेपर में तो सारा कुछ मेरे हाथ में है, जब मैं चाहूंगा तभी दीपांकर सर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अच्छा, मैं कीजिए। लिख भी नहीं सकता हूं? हाँ,
लिख भी नहीं सकते, खाली समझा सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो अरे नहीं, वो habitual है तो नहीं पता चलता है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ भैया, पहला क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, देखिए और बताइए क्या उत्तर आएगा। पासे का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, इस बार सीधे सीधे नहीं पूछा है मैंने, तो भैया ध्यान से देखो और सही उत्तर बताने का प्रयास करो कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, ठीक है। देखो जरा और बताओ क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नहीं आया बच्चा, एक बार वीडियो रिफ्रेश कर लो अपना, बाकी लोगों का स्टेटस क्या है, बाकी लोगों के पास क्वेश्चन पहुंचा या नहीं पहुंचा। आ गया, तो जिनके पास भी क्वेश्चन नहीं पहुंचा है वो लोग अपना वीडियो एक बार रिफ्रेश कर लें। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विभिन्न तरीकों से एक पासा एक से छह तक गिना जाता है, यदि एक के समीप में दो चार और छह हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और मैं आपको देता हूं पोल After 10 seconds. सभी को एफर्ट करना है, सभी लोग अपना अपना ट्राई करें। ये रहा आप लोगों के सामने पोल, जरा उत्तर बताइए क्या आएगा। घूम गए, 40% लोगों ने केवल सही उत्तर किया है, बाकी सबने कर दिया है गलत उत्तर, ठीक है। बच्चा साधारण सा प्रश्न था, हाँ सारे फीचर्स चेंज लग रहे हैं, मैंने प्रयास किया बहुत कि इसको वापस अपने पुराने वाले फीचर नहीं हो, हाँ। लेकिन वो नहीं हो रहा था। अब देखते हैं क्या है सिस्टम। बच्चा ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, केवल आपको उसने घुमा करके दिया हुआ है, सही उत्तर क्या है जरा पहचानने का प्रयास करना। क्या बोला है उसने, कह रहा है एक पासे में जब विभिन्न तरीकों से हम गिनते हैं तो एक से छह तक गिना जाता है, हमें पता है कि किसी भी पासे में केवल और केवल छह फेसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में हम कितने फेसेस को देख सकते हैं, केवल और केवल एक फेस को देख सकते हैं, ठीक। एक फेस में, एक पासे में टोटल छह फेसेस होते हैं, लेकिन एक बार में कितने फेसेस को देखते हैं, केवल और केवल बच्चा तीन फेसेस हम लोग देखते हैं। और अगर तीन फेसेस हम लोग देखते हैं तो उसने हमसे क्या बोला है बच्चा, कि यदि एक के समीप में दो चार और छह हैं, दैट इज अगर एक यहां पर लिखा हुआ है तो दो चार और छह उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, दैट इज अगर मैं एक को सबसे टॉप पर लिख दूं तो यहां पर क्या आएगा, दो आएगा, यहां पर क्या आएगा, चार आएगा, और यहां पीछे की तरफ क्या आएगा, छह। या फिर हो सकता है कि यहां पर छह आए, यहां पर दो आए, यहां पर चार आए, या अपोजिट हो सकता है यहां पर चार फिर यहां पर छह और फिर यहां पर दो, यानी तीनों कंडीशन पॉसिबल है बच्चा की नहीं है। तीनों कंडीशन अगर यहां पर बच्चा पॉसिबल है तो हमारे सामने बचा कौन कौन सा, छह टोटल हमारे पास नंबर है, एक दो चार और छह निकल गया तो बचा हमारे पास केवल तीन और पांच। अब ये तीन और पांच बच्चा कहां पर आ सकता है, अब हमारे सामने स्थिति ये है कि अगर ये और ये स्लाइड हमने भर दिया तो हमारे पास तीन और पांच कहां पड़ता है, एक के जस्ट लेफ्ट वाली स्लाइड पर और एक के अपोजिट यानी बॉटम पर। अगर एक टॉप पर है बच्चा तो तीन कहां पर आएगा, पांच या तीन, दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति नीचे बॉटम पर आएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि एक के अपोजिट में या तो तीन आएगा या तो पांच आएगा, एक के अपोजिट में या तो तीन आएगा या तो पांच आएगा, ठीक है। और तीन और पांच होंगे कहां बच्चा, अगर मैंने एक को यहां पर लिखा हुआ है तो उसके एक साइड में यानी यहां पर क्या होगा, तीन होगा, और यहां पर नीचे की तरफ क्या होगा बच्चा, बिल्कुल नीचे इसके जस्ट अपोजिट में पांच, यानी तीन और पांच या पांच और तीन इसी कंडीशन में आएंगे, और कोई कंडीशन इसकी नहीं बन सकती ना। और अगर नहीं बन सकती है बच्चा इसकी कोई कंडीशन तो जरा ऑप्शंस देखो कौन कौन से कथन सत्य हो सकते हैं। कह रहा निश्चित रूप से सत्य बताओ, क्या दो छह के विपरीत हो सकता है, नहीं हो सकता, दो छह के विपरीत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भैया, क्यों, क्योंकि दो अगर यहां पर है तो मैं दो को यहां पर भी लिख सकता हूं, मैं दो को यहां पर भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं कि छह के विपरीत हो, निश्चित रूप से सत्य नहीं बोल सकते। तो पहला वाला गलत हो गया। कह रहा है एक तीन के समीप है,
एक कहां पर है, तीन के समीप, यानी एक जहां कहीं भी लिखा हुआ है उसके जस्ट एडजेसेंट में बच्चा क्या लिखा हुआ है, तीन। तो जरूरी तो नहीं कि यहां पर तीन आए, हो सकता है पांच भी आ जाए, क्योंकि तीन और पांच दोनों में से कोई एक क्या है बच्चा, अपोजिट में आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये भी खत्म क्या हो गया, गलत हो गया, कह रहा तीन पांच के समीप है। हाँ बिल्कुल, मैं एक को अगर ऊपर रखता हूं तो तीन को यहां रखूं, या पांच को यहां पर रखूं, या पांच को यहां रखूं तो तीन को यहां पर रखूं, पांच और तीन हमेशा एडजेसेंट आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही वाला कथन क्या हो जाएगा बच्चा, केवल और केवल सही हो जाएगा। बता देना, दोबारा पूछ लेना, ठीक है। कंडीशंस बिल्कुल ज्योति अलग कर सकते हैं हम, दो चार छह की कंडीशंस को अलग अलग कर सकते हैं, कितने खेल दिखा सकते हैं जरा देखो, दो चार छह की कंडीशंस को बच्चा अलग कर करके, जरा ध्यान से समझना आज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आज कोई कविता नहीं, आज खाली क्लास, ठीक है। आओ देखो, अरे सर ये कविता के साथ साथ अभी गाना भी कहेगा गाने के लिए चक्कर में ना पड़िए। ज्योति और बाकी सभी लोग जिनको भी दिमाग में ये आ रहा है कि दो चार और छह की पोजीशंस अलग अलग कर सकते हैं बच्चा, कहीं पर भी करते हैं, ठीक है। ये डाइस मैंने बनाया, ठीक है, और इस डाइस में अब मेरी इच्छा है कि मैं ऊपर दो को रखूं, तो मैंने ऊपर दो को रख दिया, मैंने कहा एक यहाँ पर आएगा, एक के एडजेसेंट में कौन है, दो चार और छह, तो बच्चा मैंने ऊपर दो को रखा, यहाँ पर चार को रखा, और पीछे मैंने रख दिया छह को, या पीछे छह को रखेंगे क्या, नहीं ना, छह को कहाँ रखेंगे, एक के इस बगल में, क्योंकि एक के एडजेसेंट में कौन है, दो चार और छह। अब बच्चा हमारे सामने स्थिति क्या बची, या तो हम तीन या पांच को कहाँ रखेंगे, एक के जस्ट नीचे वाली स्लाइड में एडजेसेंट में तीन या पांच, और एक को कहां रखेंगे, जस्ट पीछे वाली स्लाइड में यानी अपोजिट में तीन और पांच को रखेंगे। बच्चा अगर ऐसी स्थिति भी बनाते हैं तो क्या दो और छह एक दूसरे के निश्चित रूप से अपोजिट आएंगे क्या, नहीं आएंगे ना। क्या एक और तीन समीप समीप हो सकते हैं क्या, नहीं, अपोजिट भी हो सकते हैं बच्चा। तीन और पांच समीप हो सकते हैं क्या, बिल्कुल, मैं तीन और पांच को दोनों जगह में से कहीं पर भी रखूंगा, हमेशा क्या आएंगे, एडजेसेंट स्लाइड्स में आएंगे, और इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर सी वाला होगा। कंफ्यूजन दूर हो गया कि नहीं हो गया, कितने भी तरह की बच्चा ड्राइस बना लोगे दो और छह एडजेसेंट हो सकते हैं क्या, बच्चा हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, स्टेटमेंट दैट इज नेसेसरीली टू, यानी निश्चित रूप से सत्य कथन होना चाहिए, ठीक है, निश्चित रूप से सत्य कथन होना चाहिए। दो और छह को मैं अपोजिट भी दिखा सकता हूं, और मैं दो और छह को एडजेसेंट में भी दिखा सकता हूं, दोनों चीजें हो सकती हैं बच्चा। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर, चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए 40 सेकंड का करिए सभी को, इसका उत्तर बताइए, फिर अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का आपके सामने। पेंटिंग नजर आ रही है हमारे में, हल्का पीछे पिंकिश नजर है, गुलाबी और सर का है। दीपांकर सर ये हमारा भी विनम्र निवेदन है भाई, काहे खड़े होकर के पढ़ाते हो सर आप, अरे सर मतलब सर, सर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ बैठ के, अच्छा नहीं, रियलिटी में मुझे लगता है ना कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, जो भी है हमने एक दो बार कोशिश भी करी, मेरी अब पुरानी वीडियो देखिएगा सर, उसमें हमने कोशिश भी करी है, बाकायदा सब चेयर सब लगी रखी है, लेकिन अच्छा। एक तो वो लगता है कि ना कि हमें अटेंशन नहीं मिल पाता है उतना, हमें लगता है कि हम उतना अच्छा नहीं हो कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आदत पड़ी ना सर इतने सालों से ऑनलाइन पढ़ाई, ऐसे सच बताएं ये खाली मन का भ्रम है, दो चार दिन पढ़ा लो ऐसे हट जाएगा। इस प्रश्न का पोल ये रहा आप लोगों के सामने, उत्तर बताइए। एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना तो सर, नहीं वो तो बिल्कुल बनी बात है, ऑफलाइन पढ़ाते पांचों टाइप के रंग इसमें भी नजर आ रहे हैं, ए बी सी डी, कोनो ऐसा टाइप का उत्तर बचा नहीं जो दिए ना हो, 68% लोगों ने, 63% लोगों ने सही किया है और बाकी सबका है गलत। बच्चा सही उत्तर क्या आएगा जरा ध्यान से समझ लेना, सिंपल सा प्रश्न है,
सिंपल सा प्रश्न है, क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझना। कह रहा है अलग अलग मोटाई की पांच किताबें हैं, हमारे पास पांच अलग अलग किताबें दी गई बच्चा, जिनका भार या वेट या मोटाई क्या है अलग अलग है। कह रहा ए सी से मोटी है, जरा एक एक करके बच्चा सारी चीजों को बना लेते हैं, कितनी कंडीशन हमारे सामने है। कह रहा है कह रहा है कि ए क्या है, सी से मोटी, अच्छा ए किससे मोटी है, सी से, ठीक। फिर क्या बोला है, बी डी से मोटी है, अगली कंडीशन हमारे सामने क्या है बच्चा, बी जो है वो मोटी है डी से। फिर बोला है ई बी जितनी मोटी नहीं है, यानी ई जो है वो बी जितनी मोटी नहीं है, इसका मतलब है बी से छोटी होगी मोटाई में, ठीक है। तो अगर ई बी जितनी मोटी नहीं है तो बी बड़ा होगा बच्चा, किससे बड़ा होगा, ई से बड़ा होगा। फिर आगे क्या बोला है, लेकिन सी से मोटी है, कौन, ई जो है वो मोटी है किसके, सी से, मैंने बताया ना, लेकिन और एज वेल एज ये किसके लिए आते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन है, ई, तो बच्चा ई किससे बड़ा है, सी से, ठीक। फिर आगे क्या बोला है, डी सी जितनी मोटी नहीं है, यानी जो डी है वो सी जितनी मोटी नहीं है, सी क्या होगा, इसका मतलब हो गया हमारे सामने बच्चा कि अगर डी सी जितनी मोटी नहीं तो डी छोटा हो जाएगा किससे, सी से। बच्चा यही तीन कंडीशन बन करके आ रहे हैं कि नहीं, क्या इन तीन कंडीशंस के आधार पर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। क्या हमारे सामने, हमको पता है कि बी बड़ा है ई से, ई किससे बड़ा है, सी से, और सी किससे बड़ा है, डी से, हो गया ना। और ए किससे बड़ा है, सी से, यानी अगर ए बड़ा है सी से तो यहाँ पर किसको रख दिया, ए को। तो बच्चा उसने कहा सबसे पतली किताब कौन है, सबसे पतली किताब कौन सी निकल करके आई, डी वाली। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, डी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ की नहीं आया, क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये मैथमेटिक्स का सुपर क्वेश्चन। अच्छा सुनो, तुम लोग सर की सारी बात सुनो, सब कुछ सुनो, लेकिन एक काम जरूर करना, रेफरल कोड पता है ना सभी को, Deep05 यूज करना। चलिए बढ़िया, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न आपके सामने, जरा बताइए उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ए रेशियो बी का 2:3, 7b इज इक्वल टू 9c, 15c इज इक्वल टू 14d। तो ए रेशियो डी आपको बताना है, ए रेशियो डी, फटाफट इसका आंसर सभी लोग करते जाइए। डीसी सर हम आपको जो है मैसेज कर रहे हैं, आप जरा चाहे तो कॉल लगा दें। अच्छा ठीक ठीक, मैसेज करिए सर आप, कर लेंगे क्योंकि हम तो लिख भी नहीं पाएंगे आज यहाँ पे। हाँ आप मैसेज करिए सर मुझे, सर जो मैसेज मुझे करेंगे मैं उसको पोल लगा दूंगा आप लोगों के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स हैज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल, ओके। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, आप लोग कोशिश करिए सभी लोग लगाने की, बेसिक रेशियो का क्वेश्चन है, दोनों का रेशियो को। दीपांकर सर हमारे बड़े भाई हैं, और दीपांकर सर ने कह दिया कि भैया हमारा यूज करना है, तो दीपांकर सर अरे नहीं सर मजाक कर रहे आप लोग फ्री, आप लोग सर का ही यूज करिए। सर मैसेज क्या है बताइए, बच्चे पोल के लिए कह रहे हैं। हाँ मैं पोल दे रहा हूँ बच्चा, एक मिनट सर, देखिए मैंने आपको मैसेज किया है। और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताइए क्या आएगा। बत्तीस % लोगों का सही हुआ है भाई, मैथ में मामला गड़बड़ है सब लोगों का, 32% बहुत कम हुआ। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका सही हुआ है, मेरी आवाज अगर सुन पा रहा है और अगर उसका सही हुआ है तो वो अपना सॉल्यूशन यहां पर भेजे, अपना सॉल्यूशन यहां पर भेजे।
ठीक है, तो हम स्टूडेंट को दिखाना चाहेंगे क्योंकि आज मैं नहीं लिख सकता, डीसी सर लिख सकते हैं और डीसी सर मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे। तो भैया अगर किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया अच्छे से तो उसका जरा सोल्यूशन भेजिए यहाँ पर। संदीप भेज रहे हैं, संदीप कुमार सिंह ने बिल्कुल सही परफेक्ट भेजा है यहाँ पर। देखो मैं एक बार बोल रहा हूं, सभी लोग सुनिएगा, ए रेशियो बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बटे बी। फिर बी रेशियो सी लिखा हुआ है, बी रेशियो सी आपको 9:7 दिख रहा है, बी रेशियो सी कितना होगा 9:7, फिर सी रेशियो डी कितना होगा 14:15 होगा, दिख रहा है सभी को 14:15। फिर आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बटे डी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, कितना बचेगा ए और डी बचेगा, ए अपॉन बी, ए रेशियो डी की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा, ये पीछे भी एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा है, 2/3 गुणे, सर एक बार लिख दीजिए, 2/3 इंटू 9/7 इंटू 9/7 इंटू 14/15 इंटू 14/15। बस अब फटाफट इसको कैलकुलेट कर लो, तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 7 × 14 कटे 14, अरे सर आप रहने दीजिए, 3 × 9 = 15। हाँ हाँ सर, और 3/15 कितना, 4/5 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो गया। और बढ़िया सर, वेरी गुड, 32% लोग खाली सही। मैं लिख नहीं सकता हूँ सर के, आज ना मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट आया हुआ हूँ, सर होस्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं लिख सकता हूँ। बाकी उधार रहा तुम लोगों का, ये वाला क्वेश्चन उधार रहा, अगली बार जब मेरी क्लास में आओगे तो मैं यही से स्टार्ट करूंगा। अगले प्रश्न पूछते हैं हम लोग, अगले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, लास्ट प्रश्न हम लोगों ने ये किया हुआ था, अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जरा देखिए, चार निश्चित रूप से एक समूह बनाते हैं, कोई एक है जो समूह से गायब है, उसका सही उत्तर क्या होगा, समूह से गायब क्या है, जरा देखो और बताओ उत्तर। और ज्यादा समय नहीं देंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो सिंपल सा प्रश्न है, इसके लिए ज्यादा समय देना बेकार है, ठीक है, बस 20 सेकंड का समय देंगे, 20 सेकंड के बाद आपको पोल पर आंसर करना होगा इसका। और ये रहा आपके सामने पोल, उत्तर बताओ। ध्यान रहे जितने लोग सही कर रहे हैं ना, इनसे लॉजिक पूछेंगे, बिना लॉजिक पूछे आगे नहीं बढ़ने देंगे, ध्यान रखना। सर इसमें बहुत खिलाड़ी आते हैं बिना सॉल्व, बहुत तो ऐसे होंगे जो सर पेन भी नहीं चला रहे होंगे, वो जय माता दी करते रहते हैं। मैं जानता हूँ इसमें कई खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो पेन भी नहीं चलाते, आधे तो सर एक के ऐसे ऐसे टिक कर रहे होंगे, इस बार ए हुआ, इस बार सी हुआ, इस बार डी हुआ। ये सेंस आर ऑर्गन है, बाकी नहीं है। अच्छा जरा ध्यान से समझना बच्चा, 55% करीब लोगों ने आंसर क्या किया था, हमारा 55% लोगों ने आंसर किया था ए वाला, और इसके बाद करीब करीब 32% लोगों ने आंसर किया है क्या, बी वाला। अब इसमें से आप लोग एकदम लड़े जा रहे हो, ए वाला क्यों नहीं होगा, पूजा आपने क्या सोच करके ए लगाया था जरा बताओ, और जितने लोगों ने बी लगाया है क्या सोच करके लगाया है, ए वाला पहले बताओ, जितने लोगों ने ए सोच करके लगाया है क्या सोच करके लगाया है, टूथ हार्ड होते हैं, चिन चिन किसको बोलते हैं, ठोड़ी को चिन बोलते हैं, है ना, ये हड्डी है, ये हार्ड नहीं होता क्या, खाली दांत हार्ड होते हैं, ये हार्ड नहीं हो सकता, ये मुलायम होता है, मतलब ऐसे पकड़ो तो बाहर आ जाएगा खींच करके, लाल को खींच सकते हो, इसको पकड़ करके खींच सकते हो, कभी की नहीं खींच सकते, ये हार्ड नहीं होता क्या, ए सेंस ऑर्गन में नहीं आएगा, दांत खाते हो, दांतों में आपको ठंडा गर्म लगता है कि नहीं लगता है,
दांतों में ठंडा गर्म लगता है कि नहीं लगता? तो क्या दांत सेंस ऑर्गन का काम नहीं करते? क्या आपके दांत भी सेंस ऑर्गन का काम करते हैं? अब असल में इस प्रश्न के सही उत्तर पर चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, हमें पता है यही आंसर आएंगे और ऐसे ऐसा एक्सप्लेनेशन आएगा। बच्चा मैं आंसर बता दे रहा हूं, बाकी तुम लोग जो है जा करके आयोग से लड़ाई लड़ना इसके लिए, ठीक है? हमें पता था कि जब इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लिखूंगा तो आपके सामने दिमाग में जो चीज जाएगा बच्चा, वो चीज क्या जाएगा कि ये सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के अन्य अन्य भाग हैं, इनमें ही कोई ना कोई दिमाग लगाना होगा। पर असल में यहाँ पर जो दिमाग लग रहा है बच्चा, वो दिमाग क्या है, टूथ के अंदर दो वॉवेल है, चिन के अंदर एक, नोज के अंदर दो वॉवेल है, ईयर के अंदर दो और आई के अंदर दो वॉवेल है, इन सबके अंदर दो वॉवेल है एक्सपेक्ट चिन। चिन में कितना वॉवेल है, केवल और केवल एक, और अगर इसमें एक वॉवेल है तो आयोग ने इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर कितना माना था, दो माना। आया समझ में? दिमाग में भी ऐसा भूल करके भी सपने में भी नहीं आया वो, क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, लेकिन जानबूझ करके बच्चा जो शब्द रखे गए ना, वो शब्द ऐसे रखे गए। अच्छा, इसी जगह मैं ऐसे कुछ रखता दैट ए डी ई एन ओ, मैं ऐसे रखता, ठीक है, पी, तो हमको तुरंत समझ में आ जाता कि बच्चा यहाँ दो वॉवेल चल रहे हैं। आता है कि नहीं आता, दो वॉवेल चल रहे हैं, ठीक। लेकिन इतने शब्द हमारे सामने ऐसे ऐसे रखे, टूथ, चिन, नोज, ईयर या आई, कि हमको दिमाग में पहला जो हमारे आता है हिसाब कि बच्चा ये तो हमारे सामने क्या है, हमारे दिल, हमारे जो है शरीर के अन्य अन्य अंग हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक उसी में से चल रहा होगा। अल्फाबेट कल तो भूल के भी दिमाग नहीं जाता हमारा कि अल्फाबेट का यहाँ पर कुछ सीन चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी समझ आ गया ना, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दो वाला होगा, ठीक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्तर बताइए। इसीलिए तो कराते हैं ऐसा क्वेश्चन कि आयोग ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कम से कम आपके दिमाग में सेट रहे कि आयोग का कोई भरोसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, इसके बाद फिर से एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। यदि z बराबर 97 है और r बराबर 729, तो उस भाषा में j का कोड क्या होगा? बच्चा मैथ्स के काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर लिख नहीं पा रहे। अगर सर भी लिखने के लिए पर्याप्त साधन सर के पास उपलब्ध होते तो हम रात के 10 बजे क्लास में आना, लिख के दिखाएंगे। सर एक सरप्राइज और है इन लोगों के लिए। अच्छा, क्या बता दे, एक सरप्राइज है। रात में 10:30 बजे, आज रात में 10:30 बजे एक स्पेशल क्लास मेरी है, लेकिन वो भी एक ड्यूअल एजुकेटर के साथ ही है। अच्छा, अभी अभी मेरे पास टीम से मैसेज आया, तो अब वो सरप्राइज रखेंगे और जो आएगा उसी को उस क्लास में। ये रहा, नाम नहीं बताऊंगा कौन से एजुकेटर आ रहे हैं। जरा उत्तर बताइए क्या चल रहा है पोल पर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट दिया गया है, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया है तो आप उस हिंट को पहचान लेंगे आसानी से। ए बी सी डी ई सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और 41% लोगों ने आंसर जो किया हुआ है, 38 अमर सर नहीं है, अमर सर नहीं है। सभी लोग कोशिश करिए, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं। पूजा का जो लॉजिक है एकदम करेक्ट है। बच्चा यहाँ पर ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या हैं, पहले जरा प्रश्न को समझ लेते हैं। z बराबर 2197 है और r बराबर 729। 2197 तो दिमाग में नहीं आता, लेकिन जैसे ही 729 को देखते हैं तो तुरंत ध्यान आता है, भैया ये क्या है, 9 का क्यूब है, ठीक। और अगर 729 9 का क्यूब है तो बच्चा r की प्लेस वैल्यू, मैंने क्या कहा था आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बिना अल्फाबेटिकल सीरीज के सॉल्व नहीं करोगे, r की प्लेस वैल्यू बच्चा कितनी होती है, 18। अब अगर ये 18 है और ये लिखा है 9 का क्यूब, तो हो सकता है कि ये 8+1 9 हो गया हो, या फिर 18/2 9 हुआ हो, दोनों में से कोई भी स्थिति संभव है कि नहीं, ठीक। और 9 आएगा तो 9 का क्यूब कितना हो गया बच्चा, 729, ठीक है।
अब Z पर आते हैं बच्चा, Z का प्लेस वैल्यू हमारे सामने कितना होता है 26। अब अगर Z का प्लेस वैल्यू 26 है, जोड़ देंगे जैसा यहाँ पर 8 प्लस 1 9 किया, तो जोड़ने पर तो बच्चा 8 आएगा और 8 का क्यूब कितना होता है 512, जबकि ये कितना लिखा हुआ 2197, संभव नहीं है ना। अगर ये संभव नहीं तो बच्चा आप क्या किया जाए, 26/2 कर दें तो कितना आएगा 13, और 13 का क्यूब बच्चा कितना होता है 2197। 13 का क्यूब कितना होता है 2197, यानी करना क्या था, प्लेस वैल्यू को हाफ करके क्यूब करना था। तो बच्चा जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, हाफ कितना होता है 5, तो बच्चा हमारे सामने इसका क्यूब वैल्यू कितना आएगा 125 आएगा। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। समझ आ गया हो तो बता देना, ठीक है, नहीं समझ आया हो तो पूछ लेना। हनुमान प्रसाद जी स्वागत है क्लास में आपका। समझ आ गया, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, कि कौन सा नंबर क्वेश्चन, जेड वाला बता दें अनिल। बच्चा जेड हमारे सामने प्लेस वैल्यू कितना होता है 26, ठीक है। हमारे सामने दो स्थितियां हैं बच्चा, दो स्थितियां क्या क्या हैं, जैसे आर की प्लेस वैल्यू 18 होता है और कोड कितना लिखा हुआ है 9 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 18 से 9 बच्चा कैसे बनेगा, या तो हम क्या करें 1+8 कर दें तो भी 9 आएगा, और अगर 18/2 कर दें तो बच्चा तो भी कितना आएगा 9 आएगा, ठीक। दो स्थितियां हैं, तो उन दोनों स्थितियों के आधार पर 9 का क्यूब 729, तो 26 के लिए भी बच्चा यही करेंगे ना, ठीक है। 26 के लिए का मतलब क्या रहा, 26 के लिए क्या रहा बच्चा, या तो जोड़ेंगे इसको 6+2 8, तो 8 का क्यूब 512 होना चाहिए था, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है बच्चा 2197, ठीक 2197, और यहाँ पर 2197 नहीं 512 आ रहा, तो बच्चा कैसे हो सकता है, 2197 किसका क्यूब होता है 13 का क्यूब होता है, यानी 26/2 कर दें तो 13 का क्यूब कितना आ जाएगा 2197, ठीक है। आ गया समझ में अनिल, सर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बताना जरा मुझे आप प्लीज, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको मैसेज किया था, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ओके, ये है सर का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और उटा जी, उटा जी सर बी 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उनमें से 3 संख्याओं का औसत है, फटाफट इसका आंसर जो है, पहले तो सर पोल लगाएंगे, आप लोग पोल पे करिए जल्दी से, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सर पोल लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन चलाए करो सभी लोग, पोल दे दें सर या थोड़ा रुक करके दें, नहीं ना हो गया टाइम हो गया, चलिए बहुत छोटा आपके सामने, देखिए जो तुम लोग गेस कर रहे हो इससे काम नहीं चलने वाला है, हमको मैथ नहीं आता, चलो हम तुम्हें बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताते हैं, बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन को करने का तरीका, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर मेरी तरफ देखो सभी लोग, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 27, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है माध्य, माध्य मतलब होता है मीन वैल्यू, मीन वैल्यू माध्य, माध्य मतलब मिडिल वैल्यू, ऐसे समझो बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में, 27 5 संख्याएं, पांचों संख्याओं का जो माध्य है वो कौन सा है 27, यानी मिडिल नंबर कितना है 27, ठीक है, इनसे छोटी और इनसे बड़ी, इससे जस्ट छोटी अगर हम देखें तो 23 होगा, उससे जस्ट छोटी देखें तो 21 होगा, हमको ऑड नंबर लेना है विषम नंबर, तो 25 से बड़ी कौन सी 27, फिर कौन सी 29, फिर से समझो,
पांच नंबर है जिसमें माध्य कितना है, औसत कितना है 27, तो मिडिल नंबर कितना है 27, उससे बड़ा 29, उससे बड़ा आपका 31, ये बन गया, और उससे छोटा 27 से छोटा 25, 25 से छोटा 23। सहमत हो यहां तक? अब मुझे इनको आरोही क्रम में लगाना है। तो शुरुआत की जो तीन है, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 23, फिर 25, फिर 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 में मिडिल नंबर कौन सा है? 25 है, बस हो गया, वही एवरेज है आपका, वही एवरेज। कैसे पता चलेगा कि ये वाला लॉजिक लगाना है कि नहीं लगाना है? तो ध्यान से सुनिए, जब सीरीज में बराबर का डिफरेंस हो, जब सीरीज में बराबर का डिफरेंस हो, देखो बराबर बराबर का डिफरेंस, 23 में दो जोड़ा 25, 25 में दो जोड़ा 27, 27 में दो जोड़ा 29, 29 में दो जोड़ा 31, बराबर बराबर का डिफरेंस है तो हमें पता चल गया। फिर से सुन लो, पांच संख्याएं हैं, औसत कितना है 27, मिडिल नंबर आपका 27 आ गया, उससे बड़ा अगर हम जाएं तो 29, उससे बड़ा 31, 27 से छोटा कौन सा होगा 25, उससे छोटा 23। तो शुरुआत के तीन नंबर ले लो, 23, 25 और 27 में मिडिल नंबर क्या है आपका 25, यही आपका आंसर है। हाँ चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहमत हो? जितने लोगों को समझ में आ गया वो लोग बता भी दे, सहमत हो सभी लोग? अच्छा वाई लिख करके भेज दो एक बार, बता दो क्लियर हुआ कुछ? एक बार सर देखे, कुछ बच्चों ने अटैचमेंट भी भेजा है अगर। चलिए अगला प्रश्न ये आप लोगों के सामने, जरा देखिए और बताइए उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर, आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके तीन वर्गों में समूहित कीजिए, यानी ये आपके ऊपर आकृति नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल मिलाकर के बच्चा 9 आकृतियां दी गई हैं और इन 9 आकृतियों को तीन तीन के समूह में विभाजित करना है, ठीक है? यानी पहले तीन समूह में कौन आकृतियां आएंगी, अगले तीन समूह में और अगले तीन समूह में कौन कौन सी आकृतियां आएंगी, ठीक है? आकृतियों का वर्गीकरण, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर आता है आकृतियों का वर्गीकरण, ये उसके सामने का चैप्टर है और क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। बच्चा ध्यान से देखो, मैं 30 सेकंड बाद आपको देता हूं पोल, जरा देखो क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे आएगा। और ये रहा आपके सामने पोल, जरा उत्तर बताइए क्या आएगा। इकतीस% लोगों ने आंसर किया है बी वाला और 45% लोगों ने आंसर किया हुआ है बच्चा ए वाला, ठीक है? अब जितने लोगों ने भी आंसर किया हुआ है सही और जितने लोग ए पर गए हैं, दोनों का बच्चा जरा देख लो कि इनमें से सही उत्तर कौन सा आएगा, ध्यान से समझना बच्चा। बहुत सारे लोगों ने जो आंसर ए किया हुआ है, आंसर ए को देखो बच्चा क्या कह रहा है, पहला जो ग्रुप बनाया गया है किसका बनाया गया है, 1, 2, 4 का। अगर पहला ग्रुप बच्चा 1, 2, 4 का बनाया गया है तो 1 पर कौन सी आकृति है, ये हमारे सामने एक स्क्वायर दिख रहा है, 2 पर स्क्वायर दिख रहा है, 4 पर स्क्वायर दिख रहा है, तो तुमने स्क्वायर के रूप में दिखने वाली या रेक्टेंगल के रूप में दिखने वाली आकृतियों को क्या कर लिया, एक समान ले लिया। तो अबे 5 को काहे छोड़ दिए, 5 को भी तो लेना था कि नहीं लेना था, ये क्या स्क्वायर से अलग दिख रहा है क्या तुम्हें, है स्क्वायर से अलग तो नहीं है। बस यहीं पर ये वाला उत्तर क्या हुआ, गलत हो गया, ठीक। अगला लॉजिक ऑप्शन नंबर बी वाला, बच्चा किसको किसको लिया है, 1, वन सेवन और एट को अगर लिया गया है तो ये हो गई आकृति नंबर 1,
ये हो गई 7 और ये हो गई 8। बच्चा ये तीनों ही आकृतियों को देखो तो इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ये सीधी सीधी आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी, 1, 7 और 8 की कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, सीधी सीधी बनी हुई है। ठीक, अगला क्या है बच्चा, 3, 5, 6 देखो जरा, 3 को ले लो, 5 को और 6 को ले लो, कितना कितना इंटरसेक्शन है, केवल एक, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बचा 2, 4, 9 बचा, ये कितना कितना इंटरसेक्शन है, केवल और केवल दो दो बच्चा, एक लाइन ये और एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। ये था क्या, वर्गीकरण किसका, आकृतियों का। अच्छा, ये वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, आ गया कि नहीं आया, बफ हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, इस प्रश्न का उत्तर आ गया बी वाला। ठीक है, क्या सभी का रुक रहा है या केवल कुछ लोगों का ही रुक रहा है, क्लियर है, यानी कुछ लोगों का रुक रहा है कुछ का नहीं, इसका मतलब है आपके नेटवर्क में शायद कुछ इश्यू है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चा, ये रहा आपके सामने उत्तर, बताओ, नंबर सीरीज का एक प्रश्न है, जरा प्रश्न को देखिए और उत्तर बताइए क्या आएगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूं अपने एंड से वीडियो को, ठीक है, मैं अपने एंड से रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। मैंने मैसेज कर दिया भैया, ठीक है, जरा देखिए बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, जल्दी से, 40 सेकेंड का समय आपके पास है, समय आपका शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, एसबीआई का है ना सर ये, जी बिल्कुल सर, एसबीआई के पेपर में आ चुका, बहुत जबरदस्त, कोशिश करो, उसका लॉजिक बहुत अच्छा है। और अब मैं इसका पोल देने जा, 5 ऑप्शंस दिए मैंने, जरा ध्यान से देखना और प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा ये बताना। ये रहा भैया आपके सामने पोल, उत्तर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को अटेम्प्ट करना है। सत्रह 17% व्यक्तियों ने बोला है कि प्रश्न का जो उत्तर है वो सी होना चाहिए, बाकी लोगों का उत्तर बी ए टाइप का, मतलब कोनो टाइप का उत्तर बचता नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये पांचवा वाला जो ऑप्शन होता है ना, जान बूझ करके रखता है, अगर किसी क्वेश्चन में पांचवा नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है फिर भी मैं उसको इंक्लूड करता हूँ, और तुम लोग हर दफे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जाता जहां पर तुम लोग आधी जनता नन ऑफ दीज बिना घूमो जा करके, कुछ नहीं तो नन ऑफ दीज तो ही करेगा क्वेश्चन का आंसर है। चलो जरा देखो क्या कह रहा है प्रश्न का उत्तर, बी था आपका, अच्छा चलो बढ़िया है बच्चा, बड़ा अच्छा प्रश्न है इस नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का, ठीक है, धोखा देने वाला प्रश्न है। धोखा देने वाला प्रश्न कैसा है, मैंने आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेहतरीन मेथड समझाया था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। बच्चा सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है, 6 से खत्म हो रही है जाकर के 1002 पर, ठीक है, खत्म कहां पर हो रही है, 1002 पर हो रही, ठीक। अच्छा, मैंने आपको समझाया था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को हमेशा पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं, आगे से नहीं, क्योंकि आगे से कंडीशन एन नंबर बनती है जाकर के, पीछे से कुछ एक कंडीशन। अब मुझे क्या दिख रहा है बच्चा, 6 से 1002 पर जा रहे, यानी डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन किया गया होगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन देखता हूँ 450 में कितने का गुणा करें कि 1002 पर पहुंच जाए, तो ये लग रहा है जैसे 2 का गुणा हो रहा है, ठीक है, 450 × 2 हम कितना पहुंच जाएंगे भैया, 900 पहुंच जाएंगे, जोड़ने पर 102 और जोड़ दिया जाएगा, 164 से 450 कितना जोड़ा जाए, 164 से 450 को अगर हम जोड़ने मल्टीप्लाई करने जाएंगे बच्चा, तो ये कितना आएगा, 328, और 328 से 450 जोड़ने के लिए कह रहा है, कुछ ज्यादा लंबी संख्या नहीं लग रही आपको ये जोड़ने में, ठीक है, कैसे आप इस लॉजिक को समझेंगे कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब आप जाते हैं आगे और 328
जोड़ने के बाद 328 मल्टीप्लिकेशन में आने के बाद 450 पर पहुंचने, यानी संख्या काफी बड़ी लग रही जोड़ने में। 42 इंटू दो करेंगे, 84 करेंगे। अच्छा, जैसे अंकित ने बताया इंटू तीन इंटू इंटू तीन प्लस दो कर रहे हैं बच्चा, अगर इंटू तीन प्लस दो करेंगे तो 164 इंटू तीन 450 के ऊपर निकल जा रहे हैं जाकर के। तो भैया 450 भी नहीं करेंगे जाकर के, ऊपर निकल जाए, ठीक ऊपर निकल जाए। अब बच्चा आखिरकार इसमें चल क्या रहा है इसको जरा ध्यान से समझो, ठीक है। इस क्वेश्चन ने बड़ा रुलाया था लोगों को, क्योंकि ये धोखा देने वाला क्वेश्चन था। हमको लग रहा था यहाँ पर चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नाम की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं चल रही थी। बच्चा जरा डिफरेंशिएशन लेना शुरू करो, कितने का डिफरेंस है 450 और 1000, दो कितने का डिफरेंस आएगा जरा मुझे बताओ, कितने 550। फिर देखो डिफरेंस इसीलिए और 552 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 164 और 450 कितने का डिफरेंस है, 286। कितने का डिफरेंस आएगा, 286। डिफरेंस लेना भी नहीं आ रहा तो हमने क्या समझाया, 200 इधर छोड़ो और 250 इधर, 250 आ गया। और बच्चा 250 में 3600 जोड़ दो यार, 286 आ गया, नहीं बस हो गया डिफरेंस। बच्चा 42 और 164 कितने का डिफरेंस है, 122, ठीक। और 6 से 42 में कितने का डिफरेंस है बच्चा, 36 का। ये जो डिफरेंस हमारे सामने निकल करके आया ना नीचे, बस अब इस डिफरेंस का जादू देखना बच्चा क्या चल रहा है। मैंने आप लोगों को ब्रेक ऑफ ब्रेक सीरीज करना सिखाया था ना, यानी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जब लेते हैं सीरीज के अंतर्गत, यानी बच्चा चल क्या रहा है यहाँ पर, ये यह हमारे सामने लिखा हुआ है 36, 122, 288 और 552। क्या इनको देख करके कोई लॉजिक समझ आ रहा, नहीं मैंने कहा लॉजिक ना समझ में आया तो फिर से ब्रेक करो। बच्चा 36 से 122 कितने का डिफरेंस है जरा बताओ, 36 से 122 में कितने का डिफरेंस है, 86 का। और बच्चा 122 से 286 में कितने का डिफरेंस है, 164, कितने का, 164। सर बताते रहे तब तुम लोग लिख रहे हो कि अपने मन से निकाल रहे हो, ये बताओ पहले तुम लोग। बच्चा 164 का डिफरेंस है, और 286 से 552 में बच्चा कितने का डिफरेंस है, 266 का डिफरेंस है। बच्चा फिर कोई लॉजिक नहीं मिला और ब्रेक करेंगे, 86 से 164 में कितने का डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें देखो तुम लोग सीखने की कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन। 86 से 164 में कितने का डिफरेंस है, अरे ये डिफरेंस 86 और 164 को माइनस करोगे कितने का डिफरेंस आएगा, 78 का। बच्चा ये 78 का डिफरेंस, और इसको ब्रेक किया तो 164 और 266 में कितना डिफरेंस है बच्चा, 102 का। और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 24 का आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना 24। मतलब सबसे अंतिम डिफरेंस बच्चा क्या मिला है हमको, सबसे अंतिम डिफरेंस मिला है जाकर के 24 का, यानी 78 में 24 जोड़ा तो 102 पर पहुंचे, तो अगली बार भी 24 जोड़ना चाहिए कि नहीं, यानी 102 में 24 जोड़ेंगे तो बच्चा कहां पर पहुंचेंगे, 126 पर, ठीक। 164 में 102 जोड़ा तो 266 पर पहुंचे, 266 में 126 जोड़ेंगे बच्चा कहां पर पहुंचेंगे जरा बताओ, 266 में 126 जोड़ेंगे, 392 पर। बच्चा 392 आ गए, 286 में 266 जोड़ा तो 552 पर पहुंचे, 552 में 392 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 944। 552 में 392 जोड़ोगे कितना आएगा, 944। तो बच्चा ये कितना आया, 944। और 1002 में जब 944 जोड़ोगे अंतिम संख्या क्या है बच्चा, यहाँ पर क्या जोड़ना चाहिए फिर, 944 जोड़ना चाहिए। तो बच्चा 1000 में 944 जोड़ने पर कितना आएगा, 1946। ऑप्शन में लिख रहा है आंसर नंबर सी हमारा। मैं तुम लोगों को रियलिटी बता दूं, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका, और ये मत सोचिएगा किसी के दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देख के टिक कर देते, कोई नहीं यार, मैं भी खड़ा हूँ, सर भी खड़े हैं, सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे है कि जितना बच्चा है जिस एग्जाम की तैयारी करता है सब ऐसे ही करता है। आप लोग के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि कोई ऐसा लॉजिक होगा जो देखते ही टिक कर देगा, ऐसा कोई लॉजिक बच्चा नंबर सीरीज की जैसे मैं बात करूं, टाइम टेकिंग है, ये बात मानता हूं कि टाइम टेकिंग है, लेकिन ये आप अगर सीख जाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प भी करेगा इस। बच्चा मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज के बारे में जब मैंने बताया था,
नंबर सीरीज जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैंने कहा था भैया नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन बनता है कहां से कैसा आ जाए, कोई सेट पैटर्न नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, लेकिन मैंने इसके बावजूद आपको इसका क्राइटेरिया सिखाया, ठीक है, सिखाया था क्राइटेरिया की नहीं, और क्राइटेरिया में मैंने बच्चा मैंने बताया था कि 80-90% क्वेश्चन कहां से आएंगे, केवल इसी क्राइटेरिया से, जो क्राइटेरिया मैंने आपको सिखा दिया और जो अप्रोच मैंने आपको बताई थी कि नंबर्स को सॉल्व कहां से करना है, पीछे से, लेकिन फिर भी मैंने कहा था ना कि 10% ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उतना गिरा हुआ हमारा दिमाग सोच ही नहीं सकता, हम सोच ही नहीं सकते उतना गिरा हुआ सोच करके, है कि नहीं, 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चा, और ये जो क्वेश्चन है ना ये उन्हीं 10% क्वेश्चन में, ऐसे भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए ना, मुश्किल से 2 डिफरेंस या 3 लाइन का डिफरेंस निकालने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन का उत्तर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमको अंतिम में जाकर के बिल्कुल डिफरेंस, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का हमको डिफरेंस मिला जाकर के, इस वजह से क्वेश्चन बच्चा टाइम टेकिंग हो गया, ठीक। हाँ, ये वही गिरा हुआ वाला क्वेश्चन है सरिता जी, जिस लेकिन एक चीज और, ये बिल्कुल ना सोचेगा कि इसको छोड़ दे, छोड़ने के लिए हम लोग नहीं पढ़ा रहे, इसको सीखो, पेपर में आएगा तो आपको करके आना है, इसीलिए सिखाया जा रहा है, इसको देखो कि कैसे सर ने कैलकुलेट किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर जोड़ने घटाने की अच्छी होगी तो आप और जल्दी कर लेंगे। अब समस्या ये कि अगर तुम लोग भैया जोड़ने घटाने के लिए अगर करोगे कि ये 450 या 164 ऐसे बच्चों तरीके घटाओगे तब तो हो चुका, फिर कल्याण हो गया। अभी सीधे सीधे हमने बताया अगर 164 250 है, मिडिल में रखो 200, इधर गया 250, इधर गया कितना कितना गया, इधर इधर हमारे सामने केवल 36 गया कि नहीं, 236 कितना हो गया, 284, बस काम खत्म हो गया खेल, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, सर का प्रश्न लेते हैं। अब 2 लाइन सर बोल दे, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी सर किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है, यदि हो बुलंद हौसले तो मंजिल मिल ही जाती है, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार, सिर उठाकर यदि आसमान को देखोगे बार बार तो गगन को छूने की प्रेरणा मिल ही जाती है। बहुत भैया निवार, तो बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशन वाली बातें कर लेते हैं सर को, सब गजल और शेर वगैरह याद हो जाते हैं, हमें ये सब कुछ याद है नहीं होता, समस्या इस बात की बड़ी है, लेकिन सर आप इन लोगों से पूछिएगा, हम कभी ये सब नहीं सुनाते, इसके पहले मैंने कब सुनाया था, जब आप मेरे साथ क्लास में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ऐसे समय पर ऐसे मौके पर ये चीज आते तो सिर्फ पढ़ाने पर रहता है, इधर उधर की कोई बात ही नहीं हो पाती, तुम लोग तो यार जानते ही हो, हमें भी जानते हो, सर को भी जानते हो, कुछ छिपा तो रहेंगे तुम लोग। चलिए ये सर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने जरा देखो भैया और बताओ, आगे क्वेश्चन करो, इसका पोल आपके सामने आने वाला है फटाफट। पोल आपके सामने आने वाला है, बस सर लगा दीजिए, टाइम होगा। तो पोल हुआ आपका खत्म और 35% लोगों ने लगाया है उत्तर डी पर। अब सर इसको समझाएंगे। हाँ, अब सुनो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सी को 100 मान लिया, इधर इधर सी को हमने क्या किया 100 मान लिया, अगर सी हमारा 100 है तो बी की इनकम एक सी की इनकम से 20% अधिक है, क्योंकि 100 माना है इसलिए जितने परसेंट ज्यादा
उतना ही अधिक हो जाएगा। तो अगर सी को 100 माना है तो बी कितना हो जाएगा 120। सभी लोग सहमत हो, लिखो जैसे सरिता ने लिखा 120। बी कितना हो जाएगा 120। अगर बी 120 है तो ए बी से 10% कम है, ए बी से 10% कम है, तो 120 का हम लोग निकाल दें कितना हो जाएगा। ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, वेरी गुड। 120 का 90% निकाल दिया, 12 9 108, 0 0 कट गए 108। तो बी की आय, ए की आय का कितना परसेंट है, बी की आय, तो बी की आय कितनी है 100, ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है आपकी 108। ठीक है, निकालो इसको, बताओ जरा कितना आया है। बी की आय, ए की आय का, एक लोग इसका इमेज बना करके भेज दो जरा, हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, हम तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप लोग भेज दो इसको। अंकित जो भी स्टूडेंट, गौरव, नीतू सिंह, सरिता बस्ती, ज्योति दुबे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि मेरी डेली स्पेशल क्लास मैथ की रात में 10:30 चलती है, आप लोग मेरी स्पेशल क्लास में आ सकते हैं 10:30। ये फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं पड़ता, लेकिन जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो लोग प्लस पे, मेरा शाम को 6:30 यूपीएसआई का टारगेट बैच चलता है, लेकिन जिन बच्चों के मल्टीपल एग्जाम टारगेट हैं वो रेलवे भी देते हैं, यूपीएसआई भी देंगे या एसएससी भी उन लोगों का टारगेट है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा एक 2:00 बैच चलता है जिसमें मैं 2 अक्टूबर से दोपहर में 2:00 आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिन स्टूडेंट को बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री सीखनी हो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो इनरोल कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर के बैच में आइएगा। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सी को मान लिया 100, सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा 120, भाई बी सी से 20% अधिक है 120 हो गया। ए कितना हो जाएगा, बी से 10% कम है, मतलब 120 का 90% 0 0 कट गया 12 9 108। ए 108 है, बी आपका 120 है, बी कितना है 120 है, तो यहां पर पूछा गया है तो बी की आय, ए की आय का कितना परसेंट है, तो बी 120 बटे 108 इनटू में 100। बस एक लोग इमेज भेज दो, जितने जो भी लोग सॉल्व कर रहे हैं इमेज भेज दो। सर देखिए किसी बच्चे ने इमेज भेजी, जरा शो करा दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये इमेज कुछ भेजा हुआ है, उल्टा हो गया है ये, ठीक है इसको देख लो, मोबाइल उल्टा करके इसको देख लो पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अंकित, अंकित का खोलिया, अंकित जायसवाल, ये सही है। देखो इसको ध्यान से देखो, देखो C 100 माना है तो B कितना हो जाएगा 120, A कितना हो जाएगा 108। सीधा सीधा यही लॉजिक लगा दो, C 100 मानो, B उससे 20% ज्यादा है तो अपने आप 120 आ जाएगा, ठीक है। और फिर A B से 10% कम यानी 90, तो 120 का 90% निकाल दो, 0 0 कट गया 12 9 108, A 108 आ गया, B 120 आ गया, C 100 माना ही था, तो भाई पूछा जा रहा है बीसी का कितना परसेंट है, मतलब 120 108 का कितना परसेंट है, बस ठीक है, क्लियर हो गया सभी को सर का ये क्वेश्चन। इसमें इसमें आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या आप लोगों का, कुछ आंसर कुछ और आ रहा है क्या आप लोगों का, क्या आ रहा है बेटा बताइए, ये मैच नहीं करेगा आंसर, क्योंकि 10/9 करेंगे तो ये आंसर मैच नहीं करेगा। हाँ तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो भाई, 10/9 का मतलब समझे क्या हुआ, एक सही 1/9 आंसर आएगा। हाँ हाँ इसमें जाएगा आपका 1000, 1000/9 जाएगा,
ठीक है, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर। 111 सर, इसका आंसर सही कर दीजिए। 111 सही 1/9, सर लिख दीजिए यहाँ पर 111 सही 1/9 इसका आंसर होगा। 111 सही 1/9 इसका आंसर होगा। इसका आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर। वो एरर है, वो एरर है, वो मैं नहीं कंसीडर कर रहा। ठीक है, ठीक है, 100। चलिए एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का। नीतू सिंह सही है तुम्हारा, सौरभी श्रीवास्तव सही है आपका। अंतिम क्वेश्चन हम करते हैं आज की क्लास को और इसके बाद करते हैं इस क्लास को खत्म, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का दूसरा क्लास भी है और उसको आप लोग मिस नहीं करना चाहते हैं। ये एक अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, जरा बच्चा इसको देख लो, ठीक है। उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द अलग तरह से संबंधित हैं, यानी फ्लरे किसी तरह से ब्लिजार्ड से क्या है संबंधित होगा, मॉइस्टर्न रेंच से, प्रिक स्टेप से, स्क्रब पॉलिश से, तो या फिर इनमें से कोई ऐसी जोड़ी नहीं जो एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। जरा देखिए और बताइए उत्तर क्या है, मैं आपको 20 सेकंड बाद पोल दे देता हूं, ठीक है। जरा देखिए इसमें कौन अलग है, और ये रहा आपके सामने पोल। डीसी सर, आप अपने प्लस बैच की जरा टाइमिंग लेती है। जी सर बिल्कुल, प्लस बैच की और स्पेशल क्लास जिस टाइमिंग पे होती है। भैया जो तो आज पहली दफा हमारी क्लास में आए हैं उनको बता दें, जो मेरे प्लस क्लास का टाइमिंग है, ठीक है, वो टाइमिंग कितना होता है, परमानेंटली फिक्स, सुबह 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, ठीक है, सुबह 11 बजे तक। और स्पेशल क्लास का बच्चा टाइमिंग क्या होता है, स्पेशल क्लास का टाइमिंग होता है कितना, शाम को 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक, ठीक है, ये टाइमिंग है स्पेशल क्लास का, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत, ठीक है। तो आप में से जो भी सब्सक्राइबर है आ सकते हैं सुबह 9:30 से 11। फिलहाल कंप्यूटर का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी क्योंकि काफी सारे लोग सुबह कंप्यूटर पढ़ने आ रहे हैं इस समय उस क्लास में। बेसिक और फंडामेंटल जो ऐसे क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई के या यूपी के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जीएस के सेक्शन के अंतर्गत, उसको हम लोग वहां पर कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। और सर का क्लास कितने बजे होता है, सर का क्लास होता है स्पेशल 10:30 बजे। 10:30 बजे स्पेशल क्लास कितने बजे होता है सर का, क्लास होता है यूपीएसआई का बैच कोर्स है जो शाम को 6:30 बजे से चलता है, 6:30 बजे से, ठीक है, 6:30 से 8। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर, मतलब क्या बताएं, हम 14% लोग खाली दिए ए, बाकी लोग अलग अलग टाइप के उत्तर दिए हो, हैं बी दिया 21%, सी 32%, डी 29% और ई 4%। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन जब हमको एग्जाम में आएंगे तो वो आपको एग्जाम में फ्लरी का मतलब क्या होगा ये बता देगा, मतलब यहाँ हिंदी लिखेगा, भूल जाना कि यहाँ तुमको फ्लरी का मीनिंग लिख करके देगा, वो ऐसे ही टाइप करके देगा फ्लरी, ब्लिजार्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है ये नहीं बताएगा आपको, ऐसे ब्लिजार्ड लिख करके देगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको इनमें से ऐसी चीजें आनी चाहिए। अब बच्चा अलग कौन सा है, डेफिनेटली ए अलग है। मीनिंग क्या होता है फ्लरी का, मतलब क्या होता है बच्चा, घबराहट, ठीक है, फ्लरी का मतलब घबराहट होता है, जबकि ब्लिजार्ड का मतलब क्या होता है, बर्फीला तूफान, ठीक है, ब्लिजार्ड का मतलब बर्फीला तूफान होता है। मॉइस्टन और ड्रेंच, मॉइस्ट का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, मॉइस्ट अंकित तो आता होगा ये, मॉइस्ट का मतलब समझते हो ना, मॉइस्ट का मतलब कि गीला या नमी वाला स्थान, और ड्रेंच का मतलब क्या होता है बच्चा, ड्रेंच का मतलब होता है भारी बारिश, ठीक है, भारी बारिश, और मॉइस्ट का मतलब नमी। बच्चा नमी या गीले से कहां पर पहुंच रहे हैं, भारी बारिश पर पहुंच रहे हैं, या बड़े वर्जन पर पहुंच रहे हैं। प्रिक और स्ट्रैप, ठीक है, प्रिक का मतलब बच्चा क्या होता है, चुभना, ठीक है, प्रिक का मतलब क्या होता है, चुभना, और स्टैप का मतलब क्या होता है, घोंपना या भोंकना, क्या, चाकू, जैसे कई बार लिखा रहता है ना दैट ही इज बैक स्टैपिंग मी, वो मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा है, यानी मेरे पीठ में खंजर भोंक रहा है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैबिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चुभना, जैसा चुभना, घोंपना मतलब एकदम अंदर तक घुसेड़ देना चाकू या
चापड़ जो भी लिए हो, ठीक है, यानी बड़े वर्जन पर जा रहे हैं, ठीक। स्क्रब का मतलब हल्के हल्के से रगड़ना, और पॉलिश का मतलब एकदम चमका देना उसको, यानी क्या है, पहला वाला छोटा और दूसरा वाला उसका बड़ा वर्जन लिखा हुआ है। प्रिक और स्टेप का भी यही हाल है, स्क्रब और पॉलिश का भी यही हाल है, पहला छोटा और दूसरा उसका बड़ा वर्जन लिखा है। लेकिन फ्लरे और ब्रिजार्ड क्या है बच्चा, अलग, घबराहट का अपोजिट या घबराहट का बड़ा वर्जन बर्फीला तूफान नहीं होता, तो यही ए क्या हो जाएगा हमारे सामने, अलग हो जाएगा। सुरभि श्रीवास्तव जी, फेस स्क्रब एंड बूट पॉलिश, बिल्कुल सही। अच्छा, तो एक व्यक्ति अभी कोई शायद बोल रहा था बी प्रैग के बारे में, मैंने सर अभी अभी ऑब्जर्व किया, सही में आपका है वो हकीकत में बी प्रैग जैसा लग रहा है, ठीक है, और बढ़िया है भैया। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास, आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम लोगों को यार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी अच्छी सुविधा मिली है, अपने घर पे बैठे हो, कहीं बाहर नहीं जाना है, बढ़िया नेट की व्यवस्था है, घर पे बैठे हो, घर वालों के साथ में बैठ के अपना पढ़ रहे हो, कहीं बाहर नहीं जाना है, किसी कोचिंग नहीं जाना है, रूम का रेंट बच रहा है, खाने पीने का खर्चा बच रहा है, किराया देना नहीं है, घर पे बैठ के सभी लोग पढ़ रहे हो, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, अनअकैडमी इंडिया का एकमात्र ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सबसे कम फीस पे सबसे टॉप एजुकेटर प्रोवाइड करा रहा है। यार मैं कहाँ रहता हूँ, सर कहाँ रहते हैं, तुम लोगों ने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोग ऐसे मिल करके कभी पाएंगे, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत हुई, अभी आगे देखिए ड्यूअल एजुकेटर में आपका सामना किस किस से होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। आज रात में 10:30 बजे मेरी एक और एजुकेटर के साथ क्लास है, अपनी कैटेगरी के सुपरहिट एजुकेटर है, नाम मैं एक्चुअली में बता दूं सर, ठीक है, अभी मैं बताता हूं नाम आप लोगों के लिए, मैं बता दूं यार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना पूरा बेस्ट करो, अपना बेस्ट करो, एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो, ठीक है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हें कोई भी मलाल नहीं रहेगा कि यार मैं नहीं कर, और दूसरों के भरोसे बिल्कुल नहीं, प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, अच्छे एजुकेटर मिल रहे हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बस अपना शुरू करो, पूरा दिन जुटे रहो यार, इस प्लेटफॉर्म के साथ सिलेक्शन तो होगा ही, क्यों नहीं। अच्छा, शाम को 10:30 बजे मेरी हिमांशु थापा सर के साथ जो है एक डुअल एजुकेटर की क्लास है, आप सभी लोग इन्वाइट है, कोशिश करिएगा आप सभी लोग आइएगा, ठीक है। आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा उस सेशन को, आपको सीखने को भी मिलेगा, प्लस एक नया अनुभव मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, लीडर बोर्ड दिखा, आप भी आइएगा, कोशिश करिएगा रात में, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं लाइव आने का प्रयास, आपको रात में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर टाइम मिले, मैं इसी प्रश्न के लिए आपको पोल दे रहा हूँ ताकि लीडर बोर्ड दिखा सकूं, ठीक है, और ये रहा आपके सामने पोल, मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होती है आप लोगों के साथ, कोशिश करिएगा। और ये भैया लीडर बोर्ड की स्थिति है, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है शिवालिका, संदीप और पूजा, इसके बाद पवन, विकास, स्वप्निल, गौरव, अजय, रमन और अंकिता जी, ठीक है, आज की लीडर बोर्ड की स्थिति। अब आज की क्लास को भैया करते हैं यहीं पर खत्म, कल यूजुअल 9:30 बजे मिलेंगे सुबह प्लस की क्लास में, और शाम 7:00 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास कौन बनेगा चैंपियन प्रैक्टिस सेशन ऑन रीजनिंग्स। शाम को मैथ का प्लस क्लास शाम को 6:30 बजे चलता है, जिन लोगों ने प्लस ज्वाइन कर रखा है वो लोग 6:30 बजे प्लस क्लास में मिले आकर के, और 10:30 बजे डेली की तरह आपको रात में 10:30 बजे मैथ की स्पेशल क्लास मिलती है। अच्छा, एक स्पेशल क्लास अभी मेरी 2:00 बजे कल भी 2:00 बजे स्पेशल क्लास होगी, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 2:00 बजे अगर आ सकते हैं तो 2:00 बजे भी अटेंड करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आज की क्लास को बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, सर आपको भी नमस्कार।
ठीक है, और आप सभी लोगों को भी गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीबॉडी।